बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फेज वन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब फेज टू की बारी है, जिसके लिए आवेदन भी किया जा रहा है और अंतिम तिथि 25 नवंबर है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन का समय खत्म होने के बाद बीपीएससी ने आवेदकों को सचेत किया है और कहा है कि आवेदन करने से पहले आपको दो प्रक्रिया पूरी करनी होगी, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो दो प्रक्रिया कौन सी है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति की मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन व शुल्क जमा की तिथि समाप्त हो चुकी है। इस बीच बीपीएससी ने बताया है कि आवेदन के लिए दो प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। सचिव रवि भूषण ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा कर दिया है वही ये प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 25 नवंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही सचिव रवि भूषण ने बताया है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। बता दें कि तीनों श्रेणियों के विद्यालयों की 1,12,000 सीटों के लिए 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 5,72,636 ने ही शुल्क जमा किया है। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कहा जाए तो एक सीट के लिए 5 दावेदार हैं। बता दें कि सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया है कि 18 से 20 नवंबर की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस के कारण विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन व 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सका है। बता दें कि अब रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र भी डाउनलोड हो रहा है। 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन की तिथि में किसी तरह की विस्तार के इंतजाम में अभ्यर्थी नहीं रहे। आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में संभावित की जाएगी। बीपीएससी पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक की रिक्त 9,431 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार करेगा। अब सिर्फ प्राथमिक के लिए आवेदन नए सिरे से स्वीकार किए जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वह प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से इसी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी कक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं किया गया है 25 नवंबर के बाद आवेदन के लिए लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा। अब बता दें कि 5,79,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि 1,22,000 शिक्षकों की द्वितीय चरण की परीक्षा नियुक्त होनी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए 5,72,636 अभ्यर्थियों ने 17 तक शुल्क जो है इन्हें जमा करना है। 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में परीक्षा इनकी आयोजित की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।